इस क्लॉथ ड्रायर मशीन को यूज़ करना बहुत ही आसान है। तो जो भी कपड़े आपने वॉशिंग मशीन में धोए हैं, स्पिन होने के बाद आपने इसके डोर को ओपन करके एक एक कपड़े आपने इस ड्रायर के अंदर इंसर्ट करने हैं। तो ये सारे कपड़े इस ड्रायर के अंदर इंसर्ट करने के बाद, अगर आप रोज़ ड्रायर यूज़ करते हैं तो आपने प्रोग्राम चूज़ करना है मिक्स लोड का, जो कि ऑलमोस्ट एक घंटे का प्रोग्राम है। और यहाँ से आपने इस ड्रायर को कर देना है स्टार्ट। ये हमारा ड्रायर अब स्टार्ट हो गया। तो जैसे ये ड्रायर अभी भी काम कर रहा है, एक घंटे का प्रोग्राम था, रिमेनिंग टाइम दिखा रहा है 14 मिनट्स का। और यहाँ पर ये आयरन ड्राई वाला सिंबल ग्लो हो रहा है, इसका मतलब जो कपड़े इसमें ड्राई हो रहे हैं वो उतने ड्राई हो चुके हैं कि आप उनको निकाल के आयरन कर सकते हैं। तो अगर आपको उन कपड़ों को आयरन करना है या उनमें से कुछ कपड़ों को आयरन करना है, तो उनको आप यहाँ से पॉज करके उन कपड़ों को आप निकाल सकते हैं और उनमें आप आयरनिंग कर सकते हैं। बट अगर आप कपड़ों को 100% कवर ड्राई करना चाहते हैं, देन इस प्रोग्राम को आप कंप्लीट होने दीजिए।